For example, सपोज हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन हाईली सेंट्रलाइज है, एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिसीजंस कौन लेता है? सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस आर टेकन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। जितने भी डिसीजंस हैं वो सारे डिसीजंस टॉप लेवल मैनेजमेंट ले रहा है। सो लोअर लेवल मे नॉट बी एनकरेज्ड टू हैव फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अगर सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सारे डिसीजन हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स ले रहे हैं, तो लोअर लेवल मैनेजर्स दे विल नॉट बी इनकरेज टू हैव फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी का एक और हो सकता है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी की जितनी भी कम्युनिकेशन है वो सब राइटिंग में होगा, तो अगेन डिलेज होंगे, अगेन कम्युनिकेशन हैम्पर होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेटस। स्टेटस कैसे पता लगता है? इट इज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी क्या पोजीशन है वो हमारा स्टेटस डिसाइड करती है। दिस इज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा स्टेटस कौन डिसाइड करेगा? हमारी पोजीशन, हमारा जो लेवल है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ना, हमें पता है टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। हम इसमें जिस भी पोजीशन पे काम कर रहे हैं दैट डिसाइड्स आर स्टेटस। वो हमारा स्टेटस को डिसाइड करता है। If a person is status conscious, suppose एक top level manager है, वो top level manager बहुत status conscious होगा, he will never communicate freely with lower level managers. इसमें his status conscious manager will never communicate freely with lower level or employees. वो अपने employees या अपने lower level के साथ कभी भी freely communicate नहीं करेगा, क्योंकि ही इज़ अ स्टेटस कॉन्शियस पर्सन। वो कभी भी अपने सबॉर्डिनेट्स, सिमिलरली उल्टा भी यही होगा, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसके लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं, वो भी कभी भी उससे फ्रीली कम्युनिकेट नहीं करेंगे।
ना वो अपने मन की बात पूरी अच्छी तरीके से बताएगा, ना लोअर लेवल के मैनेजर्स उससे फ्रीली अपने मन की बात कह पाएंगे। सो कम्युनिकेशन इज अगेन हैम्पर्ड। थर्ड आता है इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब नियम कानून क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या रूल्स हम फॉलो करते हैं। सपोज रूल्स एंड रेगुलेशंस इफ दे आर रिजिड, इफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिजिड देन इट मे बी अ हर्डल टू कम्युनिकेट। अगर रिजिड है तो अगेन वो हमारे कम्युनिकेशन के लिए एक हर्डल हो सकता है। अगेन जैसे एग्जाम्पल के लिए, इफ स्केलर चेन इज टू बी फॉलोड स्केलर चेन या हमें प्रिस्क्राइब चैनल से ही बात करनी है, देन इट विल लीड टू डिलेज। उससे क्या होगा, डिलेज होना। अगर हमारे पास ये सिस्टम है, ये रूल है हमारे यहाँ का कि हमें स्केलर चेन फॉलो करनी है या हमें प्रिस्क्राइब चैनल से ही कम्युनिकेशन करना है, उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, उससे प्रॉब्लम आएगी कि देयर विल बी डिलेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, हमारा काम डिले होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, हमने चैप्टर 5 में स्ट्रक्चर्स बनाए थे, फॉर्मल इनफॉर्मल फंक्शनल डिविजनल, अगर वो स्ट्रक्चर ही हमने बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, फिल्टरिंग लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, अगेन कम्युनिकेशन विल बी हैम्पर्ड। तो इसमें हम लिखेंगे व्हेन देयर आर ए नंबर ऑफ मैनेजीरियल लेवल्स, अगर बहुत सारे मैनेजीरियल लेवल्स हैं कम्युनिकेशन विल गेट डिस्टॉर्टेड, कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, एज फिल्टरिंग पॉइंट्स आर मोर नंबर ऑफ फिल्टरिंग पॉइंट्स आर। इसमें क्या लिखा मैंने, वेन देयर आर ए नंबर ऑफ मैनेजीरियल लेवल्स, अगर बहुत सारे मैनेजीरियल लेवल्स हैं कम्युनिकेशन विल गेट डिस्टॉर्टेड, जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, एज नंबर ऑफ फिल्टरिंग पॉइंट्स आर मोर, क्योंकि फिल्टरिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, फिल्टरिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं का मतलब होता है कि जितने जितने मैनेजर्स के पास से कम्युनिकेशन जाएगा, हर मैनेजर उस कम्युनिकेशन को अपने हिसाब से कम्युनिकेट करेगा, ही विल विदहोल्ड सम इन्फॉर्मेशन, और कुछ इन्फॉर्मेशन वो अपने पास रखेगा और कुछ इन्फॉर्मेशन वो अपने पास से ऐड ऑन कर देगा। सो हमारा जो मैसेज था वो भी डिस्टॉर्ट हो गया और फिल्टरिंग पॉइंट्स ज़्यादा आ गए। इसका एग्जाम्पल है, अभी मैंने आज क्लास में भी ये वाला एग्जाम्पल समझाया था कि व्हाइल गिविंग द फीडबैक टू सबॉर्डिनेट्स, ठीक है, व्हेन स
subordinates get feedback. They filter all negative points. And highlight only their positive points. अभी क्या है, when subordinates get feedback, ठीक है, एक subordinate को feedback मिला. अब उस सबॉर्डिनेट को जब उसका फीडबैक मिला, वो आके दूसरे सबॉर्डिनेट्स को वो बात बता रहा है, दूसरे सब पूछते हैं कि भाई क्या पता क्या कहा बॉस ने, क्या फीडबैक है, क्या है आपके बारे में. तो उसने क्या किया, ये फिल्टर ऑल द नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स उस अपने पास रख लिए, हाईलाइटेड ओनली द पॉजिटिव पॉइंट्स. पॉजिटिव जब अपनी तारीफ की उसकी, उसके बॉस ने सिर्फ वो उसने आगे बता दिया. आपको में बच्चों में भी ऐसे होता है कि हमने कुछ टीचर ने बुलाया किसी बच्चे को क्लास के बाहर, ठीक है, टीचर ने चार डांट मारी एक बात में उसकी तारीफ की, तो बच्चा अंदर जाके क्या कहेगा अपने फ्रेंड्स को, सिर्फ अपनी तारीफ वाली बात बताएगा, मैम ने मेरे को गुड बोला है. जो डांटा, जो कोई और बात कही, वो बच्चा नहीं बताएगा. दिस इज़ व्हाट इज फिल्टरिंग. ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर.